ग्वालियर के काउंटर मैग्नेट सिटी साड़ा के विकास को लेकर सांसद भगत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बरसों से उपेक्षित पड़े साड़ा में पहली बार सरकार ने रुचि दिखाई है। सांसद भगत सिंह कुशवाहा ने अपने आने वाले समय में साड़ा में एम्स जैसे संस्थान लाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अगले साल शुरू होने वाले वेस्टर्न रिंग रोड के बनने के बाद साड़ा के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही बरसों से प्यासे रहे साड़ा क्षेत्र के लिए पानी की लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद वहां उद्योगपतियों का भी रुझान बढ़ेगा। बता दें कि पहले की सरकारों ने साड़ा में नया ग्वालियर बसाने की परिकल्पना के साथ ग्वालियर के बाहरी इलाकों में काफी बड़े क्षेत्र में डेवलपमेंट स्कीम की योजना बनाई थी, लेकिन सालों बाद भी बाबा क्षेत्र उपेक्षित पड़ा रहा। इस बैठक में साड़ा क्षेत्र में नवीन उद्योग धंधे और रिहायशी बिल्डिंग बनाने की योजना है। वहीं पहले बने हुए निर्माण कार्य जो बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं उन्हें भी रिपेयर कर सुधारा जाएगा। इसके साथ ही जिन उद्योगपतियों ने साड़ा में फैक्ट्री के लिए ली थी उन्हें प्रेरित कर साड़ा क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साड़ा के प्रभावी सीईओ प्रतुल सिन्हा के मुताबिक इस बैठक साड़ा क्षेत्र की बसाहट और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सार्थक चर्चा हुई है, जिसके आधार पर आगे की योजनाएं भी की जाएंगी। मैग्नेट सिटी साड़ा को लेकर आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रभारी सीईओ सिन्हा साहब और सभी साड़ा के अधिकारी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लंबी चर्चा में मैं ये निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है प्रदेश के विकास को लेकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुछ समय पहले यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसमें हमारे इन्वेस्टर आए थे। उन इन्वेस्टरों के लिए उद्योगों के लिए जमीन आवंटन की जो प्रक्रिया रहती है, साड़ा में भी छोटे छोटे उद्योग निर्मित हों इसकी भी हमने समीक्षा की और मैंने साड़ा के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि इन्वेस्टरों से संपर्क किया जाए, उनको बुलाया जाए और साड़ा की जो भी जगह है जो भी भूमि है उसका सदुपयोग हमारे मैग्नेट सिटी साड़ा को जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो और जिन संस्थाओं को भूमि आवंटन पूर्व में की गई है वो संस्थाएं शर्तों के अनुसार वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो निर्मित करें और जिनके लिए जो प्लॉट सेल आउट किए थे उन प्लॉटों पे भी तुरंत काम होना चाहिए। कई लोगों ने जो सेल आउट के समय जो प्लॉट्स लेके खरीद के डालें उन पे भी तुरंत काम प्रारंभ किया जाए। आज साड़ा में जो योजनाएं चल रही हैं और जो विकास कार्य के संबंध में उनकी चिंता है उसके संबंध में एक मीटिंग रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्थिति है वो उन्हें बताई है और हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी एरिया होंगे जहाँ पर पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो करना है, जो वेस्टर्न रिंग रोड आने वाला है जिसके अगले साल शुरू हो जाने की संभावना है तो उसके निकट के क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से प्रायोरिटी में करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है साड़ा का उसको एनरिस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे विषय थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फैक्टर पानी का है तो वो जल विकास निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डालने वगैरह का काम है उसको शीघ्र पूरा करा करके इस योजना को कितने अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है इस संबंध में चर्चा हुई है।